12 टीमें 48 प्लेयर्स, सपना सभी का बस एक, वो चमचमाती हुई कोलकम की खूबसूरत ट्रॉफी और 20 लाख का पहला पायदान। स्वागत है आप सभी का कोलकम स्नैपड्रैगन कॉन्क्वेस्ट फ्री फायर ओपन प्रेजेंटेड बाय कोलकम पे। मैं हूं आपका होस्ट दिशानल में के मेजी। इसी के साथ हमारे कास्ट समाज साथ जुड़ेंगे ब्लैक बियर्ड अंदिनकर। मेरा नाम है मसब जमा एक ए ब्लैक बियर 2OP और इस सफर में मेरा साथ देने के लिए मेरे अजीज दोस्त और एक बहुत ही ज्यादा काबिल को कैस्टर दिनकर चौधरी। इसी के साथ यहाँ पे हमारा आज का पहला मैच कॉन्क्वेस्ट के फिनाले ग्रैंड फिनाले का यहाँ पे बर्मुडा का पहला मैच आ चुका है। यहाँ पे अजीत आखिरी प्लेयर बचे हैं, रेवन क्या यहाँ पर सबसे पहली टीम बन जाएगी। बारोट वाली होल्ड बम देखिए, ये खिलाड़ी रुक नहीं रहा, एक के बाद एक शॉट पे शॉट लगाते हुए एंड यहाँ पर रेवन के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है ब्लैक बियर। बिल्कुल सही, लास्ट प्लेयर है यहाँ पे दिनकर। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, रेवन एक वो टीम है जो अनइनवाइटेड टीम थी, कहीं ना कहीं शिव ने जरूर उठाया बैड एसी के साथ। रेवन ईस्पोर्ट्स यहाँ पे पहली टीम आज के ग्रैंड फिनाले कॉन्क्वेस्ट के बर्मुडा के पहले मैच में यहाँ पे 12वें पायदान पे निकल गए। फिनिश दिया, जल्दी से ग्लू वॉल जरूर लगाया गया। बाको पर क्लोजिंग करते हुए काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। ताजू ने यहाँ पे जरूर वेक्टर से डाउन किया मन को फिर से, बट ताजू भी इसी के साथ डाउन, बेबी डाउन होते हुए प्रॉब्लम यहाँ पे दोनों टीमों के सिर्फ दो दो प्लेयर बचे हुए, बट नहीं, इसी के साथ लाइफ फैकल्स यहाँ पे निकल के जा चुके हैं। 4 किल इस टाइम पे गैलेक्सी रेसर्स को मिलते हुए दिनकर। टीम के प्लेयर्स वो आ चुके हैं, मिस्टर जेवाईटी जो कि अपनी टीम की आखिरी उम्मीद है मेरे हिसाब से, वो भी बाहर जाते हुए नजर आएंगे। टीम के ऑस का एलिमिनेशन होता हुआ, वेल्स वहां पर और किल्स निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ से ब्लड पैशन के प्लेयर ने यहां पर जोन के अंदर जगह बना ली, एक्स माफिया ने प्लेयर को स्पॉट जरूर किया एंड यहां पर इसने लिखी को डाउन कर गया। फोर रन ऑन आनंद, ये देखिए पहले उन्होंने एक शॉट से कनेक्ट किया अपना स्नाइपर से, फिर उनके प्लेयर क्रोजा से कंफर्मेशन निकाल, एक नौका कर निकालते हैं तो उनकी टीम की मुश्किलें कम हो जाएंगी। दूसरी तरफ रिवील को देखिए, वो भी टीम को पूरा सपोर्ट करते हुए, चारों के चारों प्लेयर्स यहां पर फोर रन के जोन के बाहर है। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, ग्लू वॉल वहां पर जरूर लगाई है बट क्या वो इनफ होंगी। यहां पर यश रचिन करते हुए बिल्कुल अपने शॉट लेके गए, क्या नॉक निकाल पाएंगे। बिल्कुल सही, यहां पे अभी यश डाउन हुए लेकिन इसी के साथ फोर रन टोटली, यहां पे दो प्लेयर तो पूरी तरीके से जोन से डाउन हो गए। हेक्स ईस्पोर्ट्स यहां पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन कॉन्क्वेस्ट के पहले मैच में ग्रैंड फिनाले में बूया लेके गई है। टाइम हो चुका है मैच 2 का, फ्लाइट हमारी उड़ चुकी है, देखते हैं यहाँ पर प्लेयर्स किस तरफ का ड्रॉप लेते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे M5 के लास्ट प्लेयर बचे हुए, 1v2 का सिचुएशन है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है M5। M5 का पहला मैच तो जरूर अच्छा हुआ था, वो ऑलरेडी टॉप 5 में थे, बट लास्ट प्लेयर इसी कोशिश जरूर की थी बट उसे कोशिश बन के रह गई अभी के लिए, बाकी के टीममेट्स का साथ देने के लिए पहुंच गए। डेडशॉट को देखिए कितना ज्यादा ओपन में स्पॉट कर लिया यहाँ पर एंड गिनोत्रा को क्या बेहतरीन शॉट कनेक्ट किया, कंफर्मेशन भी निकालेंगे। इसी के साथ साथ सिक्स सेंस आखिरी दो प्लेयर्स पे आ चुके हैं, 3v3 देखते पहाड़ी जॉटी क्लियर यहाँ पे क्या करने वाले। रेवन ने यहाँ पे ओपी होती राइट से रेवन के डेड शॉट एंड अजीत घिरते हुए सामने से शिव बड़े, इसी के साथ पहाड़ी क्लोज में एमिट 2 भी मारते हुए 2v3 अगेन किलर विद दैट एमिट 7 देखते हैं यहाँ पे कोई नॉक निकाल पाएंगे नहीं। अजीत पे शॉट लेते हुए अजीत को डाउन किया, डेड शॉट इज द लास्ट प्लेयर फ्रॉम द टीम जॉन्टी यहाँ पे। इसी के साथ रेवन ईस्पोर्ट्स इज आउट ऑफ द गेम, पूरी तरीके से डोमिनेट करती हुई टीम में लीड यहाँ पे। 4am अगेन यहाँ पे फिर 4 अननोन सामने, टीम के ऑस क्या होने वाला है, फिर से जोन श्रिंक हो रहा है यहाँ पे, छठा जोन आने वाला है, जॉन्टी को यहाँ पे डाउन किया है सिड ने। 4am यहाँ पे जरूर प्रॉब्लम आएगी, आइकॉनिक विद दैट ओपी ग्रेनेड लॉन्चर इग्नाइट डाउन, गोल्डन को यहाँ पे किलर ने डाउन किया, बट मैं किल्स यहाँ पे देखना चाहता हूँ। टीम एलीट जो था इस गेम में एक अलग ही डोमिनेशन किया, 3 प्लेयर अभी भी यहाँ पे उनके, 3 क्या 4 ही प्लेयर यहाँ पे जितना आइकॉनिक ओपी होते हुए मुझे लगता है सिर्फ 2 प्लेयर बचे हुए। यस 4am सिर्फ 2 प्लेयर, आरडीपी लो ऑन हील यहाँ पे, एसआरवी सिड को डाउन, लास्ट प्लेयर RDP, वो भी eliminate, 4v3 का यहाँ पे situation आ चुका है, team chaos versus team elite. पहाड़ी अभी भी अलाइव है, पहाड़ी की तरफ से ग्रेनेड जरूर है बट वो कनेक्ट होगी नहीं, वो देखने इंटरेस्टिंग और टेकी के उस तरफ एक कंफर्मेशन निकालते हुए टीम के उसके पास 4 प्लेयर्स अलाइव है एंड इसी के साथ साथ देखिए 8 किल्स थे उनके पास। बुया उन्होंने यहाँ पर निकाल लिया है, बेहतरीन बुया, यू नो स्ट्रेटजी की कोई कमी नहीं थी, किल्स की कमी कोई कमी नहीं होने वाली है, साथ साथ में प्लेसमेंट पॉइंट्स भी उन्होंने गारंटी कर लिया है। अभी के लिए बढ़ते हैं मैच 3 पे जो कि होने वाला है बर्मुडा। यहाँ पे नेट्स पे नेट्स आगे जा रहे हैं, क्या वो नेट्स यहाँ पे कंफर्मेशन निकालेंगे वो थोड़ी देर पे पता चल जाएगा, लेकिन रेवन ईस्पोर्ट्स जो बाकी 2 बचे प्लेयर थे जो पीछे से बैकस्टेप करने के लिए आ रहे थे वो आ चुके हैं, कन्फ्रंट भी करा जा रहा है बट थोड़ी देर की यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। बट सामने पे प्रैडी बैठे हुए स्पॉट शॉट्स यहाँ पे ताकते हुए, स्कैरी बहुत ही कम एचपी लूज करता है लेकिन सामने पे एक अच्छा नेट यहाँ पे थ्रो करा है, क्या वो डैमेज डील करेगा, उसी के साथ डेड शॉट को भी नॉकआउट कर लिया जाएगा। ट्रेड गेम से शुरुआत जरूरी थी बट रेवन को देखिए सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं, शिप को वहां पर रिवाइव जरूर किया, प्रैडी रशिंग करते हुए 1v2 का फाइट है, कुणाल ने एक और किल निकाला है, इसी के साथ साथ रेवन ईस्पोर्ट्स बाहर जाती हुई पहली टीम बनती है जो कि इस गेम से बाहर जाएगी।
या बिल्कुल 1v2 यहां पर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आइकॉनिक वहां पर बहुत ही प्यारे ग्रेनेड फेंकते हुए ओल्डमोंग को नॉक कर दिया। आइकॉनिक के देखिए अभी वो पूरा नीचे नहीं है, उनको पता है कि यहां पर इस घर के ऊपर एक प्लेयर होंगे, उस चीज का इंतजार करते हैं। बट इस तरफ डेडसोन वहां पर एक किल निकालेंगे, किलर ने भी यहां पर किल निकाले, डेडसोन ऑन दी अदर हैंड, उनके पास M249 जरूर। आइकॉनिक को स्पॉट कैस्ट लेने की कोशिश, अनफॉर्चुनेटली यहां पर नॉक नहीं कर पाए। किलर को देखिए आप कितने अच्छे तरीके से अपनी टीम को लीड करते हुए, टीम में लीड फिर से यहां पर टॉप 3 में अपने आप को बरकरार रखना चाहते हैं। रिसिक स्टार रशिंग करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट जो हेक्स स्पोर्ट्स का डिवीजन था चारों प्लेयर का वो यहां पर काम नहीं आ रहा है। फोर अननोन यहां पर चेस करना शुरू कर चुकी है टीम्स को। जी बिल्कुल, एंड दैट शॉट पीछे से आता है, बैक स्टैब लगाया उसी के साथ, किलर को नॉकआउट एंड फिनिश ऑफ भी कर दिया। बात कर जाए यश की, तो यश किस तरह से सर्वाइव करने की कोशिश करते हुए जा रहे हैं और उसी के साथ रितेश स्टार यहां पे नॉकआउट हो जाएंगे। यश बहुत ही तेजी से ब्लीड आउट करते हुए जाएंगे, क्या आउट ऑफ नोवेयर पहुंचते नहीं, उसी के साथ लाइफ हैकर की स्क्वाड इस बार से भूया निकालती हुई। यहाँ पे मैच नंबर 4 लोड हो चुका है, कुछ ही देर पे मैच स्टार्ट होता है। 4 अननोन की ये एंट्री क्या उनके लिए भारी पड़ेगी या फिर यहाँ से 4 किल लेके जाने वाले हैं। इतनी ज्यादा आक्रामक प्रवृत्ति 4 अननोन दिखाती हुई जाएगी, थर्ड पार्टी करती हुई ज़ाडो एक किल निकाल रहे थे माफिया को, यहाँ पे नॉकआउट मिल जाएगा, फिनिश ऑफ भी कर देंगे। इसी के साथ माफिया गेम से बाहर ढकले जा चुके हैं एंड गैलेक्सी रिसर्च की स्क्वाड के लिए भी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन टोटल गेमिंग के प्रिंस ऑन द अदर हैंड फाइट पे यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे, फिनिश ऑफ भी कर दिए जाते हैं। पहाड़ी को भी यहाँ पे गेम से बाहर ढकले जाता है, 4 अननोन विद ज़ाडो ऑफेंगल निकालेंगे, उसी के साथ इविल को भी नॉकआउट मिल जाएगा, यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे, देवी को फिनिश ऑफ भी आ जाएगा। बहुत ही तेजी से 4 अननोन की स्क्वाड आती है, बहुत ही जल्दी बहुत ही विगरसली उन्होंने पूरी टीम को समाप्त करने का ये प्रयत्न करा है। दूसरी तरफ अगर एमवाएम की बात करें, उनके पास ब्लू वॉल का कवर जरूर है, बट लेट्स सी वो कितनी देर तक उनको बचा के रखता है। इस तरह से ग्रेनेड आता है जेलबुट की तरफ से, रेवन की टीम को यहां पर साफ करने के लिए बिल्कुल आ चुके हैं। रेवन की टीम के पास सिर्फ एक खिलाड़ी बचे हुए थे, उनको ही बाहर किया गया एंड एक और प्लेयर बाहर जाता हुआ। 4 अननोन यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही है, लाजवाब प्रदर्शन दिखा रही है एंड इसी का रिजल्ट देखिए आप, किल्स उनके पास है, रैंकिंग उनके पास है, 4 टीम एंड 11 प्लेयर्स पर 5-5 टोटल गेम्स यहाँ पे गैदर कर लिए जाते हैं। हेक्स ईस्पोर्ट्स और टेक स्टार यहाँ पे एक्सपोज पे आते हैं, उसी के साथ उन्हें फिनिश ऑफ कर लिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन 4 अननोन की स्क्वाड वो घुस चुकी है, वो इस बार से रश करना चाहती है। 6 टोटल गेम्स, 7 टोटल गेम्स टू बी एग्जैक्ट, यहाँ पे डेड सोल किस तरह के प्रदर्शन दिखाएंगे वो थोड़ी देर में पता चलेगा। हाथों में डबल वेक्टर लिए वो बस इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, मार्वेल ऑन द अदर हैंड ऑफिंगल से स्पॉट करेंगे, दो दो प्लेयर्स को एक ही साथ यहाँ पे नॉकआउट करा जाएगा। ये देखिए डबल वेक्टर का पावर, बट टोटल गेमिंग की स्क्वाड को भी गेम से बाहर ढकेल लिया जाता है। मेएम के प्लेयर्स इट्स 1v2 का सिचुएशन यहाँ पे निकल के आया, लेकिन 4 अननोन की स्क्वाड इस बार से निकाल लेती है भूया काफी काबिले तारीफ प्रदर्शन हमें उनकी तरफ से देखने को मिला। गैलेक्सी रेसर्स की स्क्वाड यहाँ पे घुस चुकी है, किसी भी पल हमें एक फाइट स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला। ब्लड डैश की स्क्वाड, अमन का 1 HP यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल से अमन 1 HP जरूर बचे थे, अगर वो डाउन होता तो ब्लड डैश के पास बहुत सी जाता। नीड ओपी, अमन ने ग्लू वॉल जरूर लगाया था, लाइट से रोटेट करके अंदर जा रहे थे अपने टीम के साथ, यहाँ पे कंबाइंड हो रहे थे ताकि चारों प्लेयर एक साथ जाएंगे। नेट पीछे जरूर, बट ऑलरेडी मैं कैसे कहा ब्लड डैश नीचे कूद चुके पूरी तरीके से, यहाँ पे सरप्राइज पहला प्लेयर पे अमन ने जरूर डाउन किया, आरएन डाउन, अमन भी डाउन, इसका लिक इज ऑन फायर, नॉक एंड फिनिश अमन को पूरी तरीके से यहाँ पे दे दिया। एक प्लेयर गैलेक्सी रेसर खो चुका है, बट सामने से यहाँ पे वासीओ से आरजे का एक ओपी नेट लेके इस डाउन, लेट्स सी शुभू क्या करते हैं। M1887 उनके पास सामने, उनके एक और प्लेयर वासीओ यहाँ पे अब इंसेल की वो खत्म करते हैं, बट शुभू ओपी विद दैट M1887 वासीओ को नॉक एंड फिनिश। एक प्लेयर जरूर खोया, गैलेक्सी रेसर साइड पे काफी ज्यादा मुश्किल में आ चुके हैं। मोनेश का नॉकआउट में आता हुआ देखने को मिलता जा रहा है, हेक्सी स्पोर्ट्स इज ऑन फायर, बिल्कुल सही यहाँ पे, बट एक चीज हेक्स को एटी जोन के अंदर जाना चाहिए था, वहां से गेट कीपिंग करनी चाहिए, वो जोन के बाहर इतने ज्यादा देर तक थे, बट इसी के साथ यश ने यहाँ पे डाउन किया। मेएम यहाँ पे 11वें स्थान पे, गेम से बाहर जाते हैं, यहाँ पे जोन के बाहर उनके सामने लाइफ हैकर्स के ओल्ड मंक के पास यहाँ पे ग्रेनेड लॉन्चर एक सामने, जरूर ताजू को मारा है, बट ऐसे डैमेज ज्यादा नहीं पड़ा। आगे आप एक चीज देखिए, गैलेक्सी रेसर्स के दो प्लेयर्स हैं जो बचे हुए थे, बारकाओ एंड मैरियक, इसी के साथ मेरे बोलते ही बोलते छठे स्थान पे ये दो प्लेयर जरूर लेके अपनी टीम को गए। लास्ट प्लेयर ओल्ड मंक, इसी के साथ यहाँ पे एक और ओपी इनसेन आर्यन का नेट, ओल्ड मंक को भी खत्म किया गया। 4 टीमें, 12 प्लेयर यहाँ पे आ चुके, 4 अननोन, 4 मैन स्क्वाड, 10 सेकंड में यहाँ पे आखिरी जोन जो कि डेथ जोन आने वाला, देखते ही देखते सामने डेथ सोल को नॉक किया गया, जल्दी से यहाँ पे ग्लू वॉल लगाया गया, रिवाइव जरूर है, बट टीसी इज ऑन फायर, जिस तरीके से बैक टू बैक कंसिस्टेंसी और किल्स निकाल रहे, बेखौफ जैसा कि दिनकर कह रहे थे, आई लव यू फियरलेस गेम, इस टाइम पे देते भी टीसी। या बिल्कुल, 4 अननोन की स्क्वाड यहाँ पे एकदम से तबाही मचाती हुई जा रही थी, बट जैसे ही देखा टीम के उसने छोड़ना नहीं चाहते, 11 किल्स है एंड डेथ सोल को भी पकड़ने की कोशिश हुई, ज़ाडो यहाँ पे निकलने की कोशिश करते हुए जाएंगे, पीछे से हुई ज़ाडो थोड़े बहुत शॉट निकालते हुए जा रहे, स्कैरी यहाँ पे किसी
डेथसोल को पकड़ने की कोशिश कर, लेकिन विजार्डो आउट ऑफ नोवेयर आता है, वहां पे एलिमिनेशन निकालने की कोशिश। दो टीमें चार प्लेयर सर्वाइव करते हुए जाएंगे। कुणाल जूनियर किसी तरह से अपने आपको बचाने का प्रयास, लेकिन 1v2 का सिचुएशन, वो जेल में नाकामयाब। उसी के साथ इस बार से 4 अननोन की स्क्वाड बेड से बुया निकाल लेते हैं। Conquest, Grand Finale, Day 1 का लास्ट मैच, मैच नंबर 6 आ चुका है। कुछ सही दोनों, एक चीज है कि दोनों ने एक एक प्लेयर को डाउन किया विद स्नाइपर, बट यहाँ पे यश नॉक जरूर है, उनको रिवाइव मिलेगा। बट सामने ऑलरेडी जय वाइटी विद दैट एमपी पार्टी, यहाँ पे शॉट लेते हैं वो माफियाज 1 एचपी, उनके आपने स्नाइपर माफिया को डाउन किया गया। जय वाइटी मुझे लगता है इंसेंट फिनिश देंगे, इसके बाद यश को खत्म कर दिया गया। जय वाइटी को ईविल पीछे से आके एक से डाउन किया, लेकिन इस टाइम पे एक्स ईस्पोर्ट्स का ज्यादा प्रॉब्लम है। दोनों ही टीमें यहाँ पे सर्किल के बाहर है और डैमेज भी झेल रही है। तीसरा सर्किल है, डैमेज बहुत ही ज्यादा डील होगा, नेक्स्ट सर्किल से आने से पहले वो निकल ले तो काफी एक सही बात है। बट देखते ही देखते टीम के उसके प्लेयर्स यहाँ पे 3 टोटल किल्स निकाल लेते हैं, 4 टोटल किल्स यहाँ पे यू नो अपने लिए निकाले जाएंगे। तो से अगर यहाँ पे टीम एलीट स्ट्रेट आती, ऑलरेडी गेट कीपिंग हो रहा था। गिनोत्रा ने यहाँ पे टीसी के प्रथम को नॉक एंड फिनिश दिया। गिनोत्रा अगेन विद दैट ग्रोजा, स्केरी नॉक एंड फिनिश ग्रोथ यहाँ पे, गिनोत्रा अलग ही लेवल के ग्रोजा चला रहे, कब नॉक एंड फिनिश देखते ही देखते। कुणाल जूनियर ने यहाँ पे जॉन्टी को डाउन किया, उन्हें जरूर यहाँ पे कवर फायर पीछे से आया, पीछे से मिस्टर जय वाइटी ने यहाँ पे, अब तो देखो सब सबको मारेंगे। फिर से आप देखिए फोर जोन यहाँ पे लग चुका, फिफ्थ जोन आने वाला है, लास्ट जोन आ रहा है। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम भुया ले जाती है आज के लास्ट मैच में। जी हाँ, मिस्टर जैक कूदते हुए यहाँ पे शॉट लगाएंगे, उसी के साथ वहाँ पे एलिमिनेशन भी निकाले जाएगा। बात करें प्रिंस की तो यहाँ पे गेम से बाहर निकलते हुए जाएंगे, बट माफिया वाला किसी तरह से कन्फर्ट करने की कोशिश, डिफेंड करते हुए जाएंगे, डबल वेक्टर के शॉट यहाँ पे दागे जा रहे हैं, लेकिन कनेक्शन यहाँ पे बनता हुआ जाएगा सिर्फ एक बार। यहाँ पे 4 रनों के आनंद आएगा, हेड कनेक्शन के सारे गिनोत्रा को भी गेम से बाहर निकलते हुए, टोटल गेमिंग स्क्वाड सर्कल के बाहर पहुंच चुके हैं। 6 हैं हो गए 4 अननोन के मेंबर्स, यहाँ पे डिफेंड करते हुए जाएंगे, उसी के साथ पूरा निकालती हुई 4 अननोन की स्क्वाड देखने को मिली स्कलारी के रेगिस्तान पे। आखिरी 6 मैचेस कल के दिन पे बचेंगे, उम्मीद करता हूँ जिन्होंने आज नहीं खेला है वो कल और ज्यादा बेहतर खेलेंगे। बट हाँ, 34 पॉइंट का लीड बना के रखा हुआ है यहाँ पे 4 अननोन के प्लेयर्स ने, एंड टीम क्योस लीग स्टेजेस में बिल्कुल तरीके से शांत थे। टीम क्योस लीग स्टेजेस में शांत थे, बट यहाँ पे वो शांत नहीं रहने वाले, और अभी से उन्होंने बता दिया है कि वो यहाँ पे बस जीतने के लिए बैठे हुए। देखते हैं 4 अननोन की स्क्वाड वो जीत के जाएगी, या फिर टीम क्योस, या फिर टीम एलीट, या फिर सिक्स सेंस, या फिर टोटल गेमिंग, उनमें से कोई एक स्क्वाड जो ऊपर पहुंचेगी और टीम अननोन को वो पीछे पछाड़ के जाएगी। और इसी के साथ आज का दिन होता है खत्म। कल आप सभी से एक बार फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।